जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करते हैं सब भाइयों को यूट्यूब चैनल पे एंड फेसबुक पेज पे। जी ये दोस्तों जोड़ी माशाल्लाह से हमारी बैठ गई है जी। ये जौनसरा बैठा है जी 12:12 में माशाल्लाह से, और ये दूसरा बैठा है जी फिरोजपुरी है 12:13 पे। तो इनको दोस्तों मैं जाना बंदर करने लगा हूँ, ठीक है। मैंने सोचा चले आप भी सब भाइयों के साथ जाना, साथ में शेयर कर देते हैं। ऊपर से कबूतर जी माशाल्लाह से आ रहे हैं निकल के। अब आज की टाइमिंग तो बड़ी अच्छी है जी, ठीक है। बाकी आगे अल्लाह करे जी पूरे हो जाए सही कबूतर हमारे सारे जी, तो फिर उम्मीद है कि अच्छी एवरेज है ना वो बन जाएगी। कल भी दरअसल पूरे मैं कर रहा था, बस जो है ना वो काम थोड़ा सा ख़राब हो गया। ऊपर वाले दो नहीं बैठे, अगर वो बैठे होते ऊपर वाले दोनों तो हमारे जी 60 घंटे जो है ना वो बन रहे थे। और 60 घंटों से आपको पता दोस्तों काफ़ी अच्छी जो है ना वो नीड हो जानी थी हमारी, क्योंकि 60 घंटे तकरीबन जो है ना सारे कपों में हर बंदे के जो है ना वो चल रहे थे। तो दोस्तों ये अंदर नहीं जा रहे, मैं इनको अंदर करने की करता हूँ जी, फिर बाद में सारी आसा ज़रा वीडियो शेयर करता हूँ। ले दोस्तों बाकी ये जी जोड़ी और आई है ऊपर से दोस्तों, ये देखे बैठने पे जी हमारी, वो 12:15 दो बैठे हैं जी हमारे, ठीक है। और उसके बाद ये जोड़ी बैठ रही है, ये जो न्यू कबूतर हमने डाला हुआ था लाल आँख वाला, ये जी माशाल्लाह से बैठ रहा है दोस्तों। और इसके साथ ये जो बैठ रहा है ये चिट्टे पलों वाला है जी माशाल्लाह से। ऊपर से दोस्तों और 5-7 कबूतर शो हुए हैं, और दो बच्चे मर साहब के भी मेरे बच्चों के साथ ही बैठे हैं तकरीबन 12:15। और एक इधर मर साहब का भी नीचे लगा हुआ है, ये देखें कबूतर जी, ये देखें दोस्तों ये माशाल्लाह से मर साहब का भी जी कबूतर आया हुआ है नीचे, तीसरा कबूतर ये बैठ रहा है माशाल्लाह से। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है हमारे, तो चलें वो कल की बैड लक में परसों की जो है ना वो कबूतर दोनों ही बैठ सके, इस वजह से हम थोड़ा सा पीछे हैं, थोड़ा सा क्या काफ़ी पीछे हैं। बाकी ये है कि मास्टर साहब की जो है ना वो पहले से ही अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है जी, अपने कप में भी ये मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे जा रही है छत, ठीक है। मार साहब का जो कप है और जो दूसरा कप है वंडाला पिजन क्लब वाला, उसमें मेरे ख्याल में 5वें नंबर पे छत है मार साहब की। तो बड़ी अच्छी जी मतलब परफॉर्मेंस है मार साहब के कबूतरों की भी जा रही है माशाल्लाह से जी। बैठ गया कबूतर मार साहब का भी जी, तकरीबन अभी नीचे आ गया काफ़ी बैठने पर। तो ऊपर से दोस्तों टाइम भी जो है ना वो मैं देख लेता हूँ, तकरीबन दोस्तों 12:45 का टाइम जी हो रहा है माशाल्लाह से। जब ये जी मर्ज साहब का बैठ रहा है जी, हमारे वाले जो है मेरे ख्याल में थोड़ा सा ऊपर हो गए हैं दोनों कबूतर, वो जोड़ी है ना कट्ठी। जब कबूतर अकेला होता है ना फिर उसके चांस होते हैं कि वो जो है ना वो बैठ जाएगा बगैर, तो जब जोड़ी होती है या 2-4 कबूतर हों 5 हों ज़्यादा कबूतर यानी कि हों, तो फिर उनका जो है ना वो यही चांस होते हैं कि ये अभी नहीं बैठेंगे, ये ज़रा टाइम ले कर बैठेंगे, क्योंकि इकट्ठे कबूतर जो है ना वो फिर मस्ती में पड़े रहते हैं। इसलिए तो ये मर्ज साहब का अकेला कबूतर है, हो सकता है ऊपर को उठ जाए जी, क्योंकि कबूतर साथ लगे हुए हैं ऊपर मेरे भी इसके, ये देखे जरा। और ऊपर से भी माशाल्लाह से निकल हैं, वो हमारी चपड़ी मेरे ख्याल में दोस्तों आ गई है ऊपर से, शो हो गई है बड़ी बरीकी में, बाकी कोई नहीं अजय तो अच्छी बात है। अब टाइम भी दोस्तों ठीक हो रहा है, और जो भाई मुझे कमेंट कर रहे थे यार अगर आपके 3-3 घंटे कबूतर उड़ते हैं तो उनको 7-7 घंटे आप क्यों नहीं करवा रहे, ठीक है। तो आज देख लें जी फिर 7-7 घंटे करवाए हैं जी उनसे फिर, ठीक है। 5 बजे से टाइम नोट हो गए इंशाल्लाह, ठीक है। और 5:30 बजे की झंडी थी जी, 5:30 बजे की झंडी हुई है सुबह जी, और माशाल्लाह से तकरीबन सवा सात घंटे ले गए जी बैठे हैं मेरी जोड़ी जो है। बाकी दोस्तों ऊपर से ये देखे ये चिट्टे पलों वाला आया, ये देखे फिर दोबारा से नीचे आ गया, पहले भी ऊपर चला गया था काफ़ी। तो खैर इसी तरह से दोस्तों ये भी कर रहा है, और माश साहब का भी कबूतर इसी तरह से कर रहा है। ये देखे कबूतर अब इकट्ठे हैं ना ऊपर, 3-4 कबूतर इकट्ठे अब मिले हुए हैं, 2 मेरे हैं और तीसरे वाला ये माश साहब का माशाल्लाह से। इसी वजह से जो ना बैठते बैठते थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, ये देखें जी। तो ठीक है दोस्तों ये मर्ज साहब का बैठ रहा है जी, और ऊपर से जिस तरह से हमारा भी और बैठता है मैं ऐसा शेयर करता हूँ, शेयर क्या करता हूँ, ये देखें ये बैठने लगा चिट्टे पलों वाला, ये देखें सब भाई जी जरा किधर को गया है जरा, ये देखें ये आ गया जी, ये दोस्तों माशाल्लाह से आ गया जी। और मर्ज साहब का भी बैठ गया मेरे ख्याल में कबूतर 12:45 पर मेरे ख्याल में मर साहब का कबूतर जी बैठ गया, और ये चिट्टे पलने वाले ने भी बैठ जाना है क्योंकि ये दूसरे वाला ऊपर चला गया ना वो लाल आँख वाला कबूतर, तो ये अब जो है ना अकेला रह गया, तो इसने भी अब बैठ जाना जिस तरह लग रहा है। ये देखें ये लाल आँख वाला थोड़ा सी इससे मतलब हाइट में है, थोड़ा सी ऊपर है ज़्यादा नहीं है, ये देखें माशाल्लाह अभी भी दोस्तों ठापे छापे जो है ना वो मार रहा है, बाकी कोई बात नहीं। किधर गया ये देखें ये दोस्तों बैठने लगा, ये
ये जी अब बैठा है माशाल्लाह से, ये बैठ गया दोस्तों चिट्टे पल्लों वाला जी। 12:46 पे माशाल्लाह ये बैठा है जी, मास्टर साहब के कबूतर के एक मिनट बाद ये बैठा है। तो दोस्तों लाल आंख वाला भी आया हुआ है, चलें इसी क्लिप में आपके साथ लाल आंख वाला भी जाना मैं शेयर कर देता हूँ बैठता है। तो लें दोस्तों दूसरा भी बैठ गया जी, ये चिट्टे पल्लों वाला बैठा था, ये देखें जी माशाल्लाह से ये चिट्टे पल्लों वाला जी, और ये लाल आंख वाला भी बैठ गया जी माशाल्लाह से, ये बैठा है जी, ये मेरे ख्याल में 12:48 पे बैठा है जी माशाल्लाह से, इसके पीछे जाना ये बैठा है। तो बहरहाल दोस्तों हमारे चौथा कबूतर ये बैठ गया, यानी कि चार कबूतर हमारे जो है ना वो बैठ गए हैं, 2 बैठे हैं 12:15 और 2 बैठे हैं 12:45। तो बाकी दोस्तों ये है जी अपडेट अब की, और मास्टर साहब का भी बैठ गया, 3 मास्टर साहब के बैठ गए हैं और 4 मेरे बैठ गए हैं, और ऊपर से कबूतर निकल रहे हैं बड़ी बरीकी में, अभी शो हुए हैं 4-5 कबूतर शो हुए हैं दोस्तों। तो कोई नहीं, जिस तरह से वो भी फिर आते हैं बैठ नहीं करते, वो भी दिखाते हैं इनको, ज़रा मैं पहले अंदर कर लूँ।